सिद्दीकी मर्डर केस से बॉलीवुड में भी हड़कंप मचा हुआ है। एक्टर सलमान खान की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सलमान के अस्पताल जाने पर भी रोक लगा दी गई है। बीच में बिग बॉस की शूटिंग को भी कैंसिल कर दिया गया है। सलमान सिद्दीकी और उनके बेटे के करीबी तो बता दें सलमान खान सिद्दीकी और उनके बेटे के करीबी बताए जाते हैं, और यही वजह है कि सलमान खान की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। कई बार सलमान खान पर भी हमले की खबरें सामने आ चुकी हैं, हमले के आशंका की खबरें सामने आ चुकी है। इसे लेकर सुरक्षा पहले भी बढ़ाई गई थी, लेकिन जिस तरह से बाबर सिद्दीकी हत्याकांड को अंजाम दिया गया, चूंकि सलमान खान सिद्दीकी और उनके बेटे के करीबी हैं, ऐसे में बाबर सिद्दीकी के हत्याकांड के बाद सलमान खान की सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि इस मर्डर के तार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जोड़कर देखे जा रहे हैं। हालांकि अभी तक कुछ भी साफ नहीं हुआ है कि आखिर गोली किसने चलाई थी, इसमें किसका हाथ है, किस गैंग का हाथ है, लेकिन बाबर सिद्दीकी की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और इसी बीच अब सलमान खान की सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया और उन्हें लीलावती अस्पताल आने से भी मना कर दिया गया। इसके साथ ही बिग बॉस की शूटिंग भी बीच में ही रोक दी गई है। तो बाबा सिद्दीकी का बॉलीवुड कनेक्शन क्या है वो भी आपको बताते हैं। तो देखिए, अभिनेता सुनील दत्त उनके अच्छे दोस्त थे। सुनील दत्त ने संजय से उनकी दोस्ती कराई, संजय दत्त ने सलमान खान से मिलवाया, शाहरुख सलमान की दुश्मनी भी खत्म कराई। इफ्तार पार्टी में बॉलीवुड सितारे शामिल होते थे, और बता दें आपको यही वो इफ्तार पार्टी जिस इफ्तार पार्टी की वजह से बाबा सिद्दीकी चर्चा में आए, और यही वजह है कि कई अभिनेताओं के साथ उनकी पहचान भी थी, उनके अच्छे कनेक्शन भी थे। सुनील दत्त जो कि अभिनेता सुनील दत्त जो कि बाबा सिद्दीकी के अच्छे दोस्त बताए जाते हैं, सुनील दत्त ने ही बाबा सिद्दीकी की दोस्ती संजय दत्त से करवाई थी, और संजय दत्त ने सलमान खान से भी मिलवाई। देखिए आपको एक इफ्तार पार्टी की तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें आपको अभिनेता शाहरुख खान, सलमान खान के पिता भी नजर आ रहे होंगे। कई अभिनेताओं से बाबा सिद्दीकी की अच्छी पहचान थी, और इसी तरह से उनके बॉलीवुड में अच्छे खासे कनेक्शन थे। सलमान खान जो कि इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे, बता दें शाहरुख खान और सलमान खान की दुश्मनी को भी खत्म कराने के पीछे बाबा सिद्दीकी को ही माना जाता है। बॉलीवुड के कई सितारे जो इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, और इसी इफ्तार पार्टी की वजह से बाबा सिद्दीकी चर्चा में भी आए थे। तो देखिए, बाबा सिद्दीकी जिनके बॉलीवुड से अच्छे कनेक्शन बताए जाते हैं, और यही वजह है कि अब सलमान खान की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन बाबा सिद्दीकी को पहले भी धमकियां मिल चुकी हैं। अंडरवर्ल्ड से कैसा रहा विवाद वो भी आपको बताते हैं। दाऊद ने बाबा सिद्दीकी को धमकी दी थी। दाऊद ने धमकी देते हुए बाबा सिद्दीकी को कहा था कि फिल्म बनेगी। एक था एमएलए दाऊद के करीबी अहमद लंगड़ा से विवाद था। छोटा शकीन ने भी बाबा सिद्दीकी को धमकी दी थी। तो बता दें अंडरवर्ल्ड से भी बाबा सिद्दीकी का विवाद रहा है। दाऊद ने भी बाबा सिद्दीकी को धमकी दी थी, और धमकी देते हुए साफ कहा था कि फिल्म बनेगी एक था एमएलए। अब इसके सारे समझिए आप। इसके साथ ही दाऊद के करीबी अहमद लंगड़ा से भी बाबा सिद्दीकी का विवाद था, और छोटा शकील ने भी बाबा सिद्दीकी को धमकी दी थी। और सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता राकेश चौधरी लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, बॉलीवुड कनेक्शन भी माना जाता है बाबा सिद्दीकी का, क्योंकि देखिए इफ्तार पार्टी जिसकी वजह से वो चर्चा में आए, कई अभिनेता उसमें शामिल होते थे, कई अभिनेताओं से उनके अच्छे कनेक्शंस भी थे, और यही वजह कि अब सलमान खान की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। राकेश जी, रितु आपने ठीक कहा कि बाबा सिद्दीकी का बॉलीवुड में कनेक्शन ऐसा रहा है कि शाहरुख और सलमान खान की जब दुश्मनी हुई थी तो इकलौते शख्स थे जो इफ्तार पार्टी के जरिए उन दोनों की दोस्ती कराई थी। ऐसे ही संजय दत्त के साथ भी उनकी दोस्ती थी। उन्हें बॉलीवुड में वो सम्मान मिलता था जो एक अभिनेता को दिया जाता है, उनका एक लॉबी होता है, उसमें वो बैठते उठते रहे शख्स हैं, और एक बिजनेसमैन भी थे। तो जब बिजनेसमैन और कोई रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन में काम करता है तो उस वक्त उसे दुश्मनी तो हो ही जाती है कहीं ना कहीं। तो दाऊद ग्रुप से भी उनको जो है धमकियां मिली थी, और लेकिन ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जहाँ तक बात अभी आ रही है रितु, तो कहा जा रहा है, इसमें सूत्रों के हवाले से ही ये बात कही जा रही है कि सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई ने लगातार धमकी दी है।
कई बार उनके घर ईमेल भेजे गए हैं, उनकी सिक्योरिटी पहले भी बढ़ाई गई थी जब उनके आवास पर फायरिंग की गई थी। इस बीच में अब क्या खबर आ रही है कि जैसे ही बाबा सिद्दीकी को मारा गया है, उसके बाद सलमान खान की आवास पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, उनके खुद की जो बॉडीगार्ड है शेरा ने कहा है कि हम लोग सतर्क हैं, और फिलहाल बिग बॉस की शूटिंग भी रोक दी गई है। एक चर्चित शो है और सलमान खान पिछले 15 साल से इस शो को जो है लीड कर रहे हैं, तो उनके शो को भी तत्काल के लिए रोक दिया गया है, शूटिंग पे सलमान खान नहीं जा रहे हैं। इस बीच एनसीपी ने भी अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए, अजीत पवार गुट का जो कार्यक्रम होना था वो सब रद्द कर दिया गया है। बॉलीवुड मानिए कि एक तरह से थमसा गया है, बाबा सिद्दीकी केंद्र बिंदु थे बॉलीवुड में और सारे कलाकारों के बीच उनकी जो पैठ थी वो किसी से छिपी हुई नहीं थी। रितु,